कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पार्ट 14 एक बुढ़िया पहले पढ़ लिया है, तो आज हम उसका अर्थ और उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान से समझिएगा। एक बार एक बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था, बिना नाम की बुढ़िया थी। जैसे आप लोगों का कोई ना कोई नाम होता है, घर में सबका कोई ना कोई नाम होता है, पर उस बुढ़िया का कोई नाम नहीं था। वो बुढ़िया पूरा दिन खाली रहती थी, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। जैसे आप लोग हैं, पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं और मम्मी के साथ घर के काम में मदद करते हैं, लेकिन उस बुढ़िया के पास कोई भी काम नहीं था। अब उनके पास कोई काम नहीं था तो उन्हें कुछ आराम नहीं मिलता था, बेचैनी सी होती रहती थी, और उनके लिए ना दिन होती थी, ना दोपहर होती थी, ना रात होती थी, ना सुबह होती थी और ना शाम होती थी। उनके लिए सारा समय एक बराबर होता था। तो हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई काम होता है, लेकिन वो जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। तो बच्चों, हमने कविता भी पढ़ ली, कविता का अर्थ भी समझ लिया, तो अब हम उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। आप सबको पता है, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, सबका कोई ना कोई नाम होता है। तो उस बुढ़िया का कोई नाम नहीं है, हमें उसका नाम रखना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर बुढ़िया को नाम दे रही हूँ, कमला देवी। हमारा अगला प्रश्न है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, वह पानी भर सकती है, वह खाना बना सकती है, वह झाड़ू लगा सकती है, वह कपड़े धो सकती है। क्योंकि आपके घर में आपकी मम्मी को आपने काम करते हुए देखा है ना, मम्मी भी तो यही सब काम करती हैं, तो बुढ़िया भी ये सब काम कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, आपके घर में सबसे ज्यादा काम आपकी मम्मी और आपके पापा करते हैं, है ना। मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, आपको आपका होमवर्क करवाती हैं, घर की सफाई करती हैं और जितने जरूरी काम हैं वो सब करती हैं। और आपके पापा बाहर के सारे काम करते हैं और ऑफिस जाते हैं। बच्चों, हमारा अंतिम प्रश्न है, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा आराम कौन करता है? तो ये भी आप अच्छे से जानते हैं, आप खुद सबसे ज्यादा आराम करते हैं। और हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं जो ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, जैसे आपकी दादी जी, दादा जी, वो सब भी सबसे ज्यादा आराम करते हैं। तो आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं, मैं खुद और मेरी दादी जी।